एक्टिव इनकम का ग्राफ ये चलता है, एक्टिव इनकम का ग्राफ ये चलता है और पैसिव इनकम का ग्राफ ये चलता है, ठीक है। इस एक्टिव इनकम के अंदर आप जिस महीने काम करेंगे उस महीने की सैलरी मिल जाएगी आपको। 10 दिन काम करेंगे, 10 दिन काम नहीं किया, 10 दिन की तनख्वाह कट जाएगी आपको, यानी कि जिस महीने काम करेंगे उसी महीने का तनख्वाह मिलेगी, इसे बोलते हैं एक्टिव इनकम। 10 दिन काम किया, 10 दिन की तनख्वाह आपको नहीं मिलेगी, बाकी दिनों की मिल जाएगी, यानी कि करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। फिर भी लोग 80% पब्लिक इसी पे अभी भी डिपेंड है एक्टिव इनकम पे। यार मेहनत करके देखा हो, हमारे गांव में बहुत बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग को अभी भी बोलते हैं यार मेहनत करके देखा है, अगर हाथ पैर चला हमारे, क्योंकि हमने मेहनत करके करा हूँ, ऐसा पैसे नहीं करा, मेरा काम ही यही है, मैं मेहनत करके करता हूँ क्या नहीं। अगर दोस्तों अगर मेहनत करने से अगर पैसा आता तो सबसे ज़्यादा पैसा किसको आता, एक बेलदार मजदूर, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, नहीं करता वो, लेकिन 10 साल पहले भी बेलदार था और आज भी बेलदार ही हो, क्यों है, क्योंकि वो तो मेहनत करके खा रहा है ना, मेहनत करने से पैसा आता है, तो मेहनत करने से कभी भी ऐसा नहीं आता, पैसा आता है सिस्टम से, कहीं से आता है सिस्टम से। सिस्टम में इतनी बड़ी ताकत होती है कि पानी का स्वभाव होता है नीचे बहना, लेकिन एक सिस्टम उसी पानी को बिल्डिंगों पर पहुँचा देता है, कहीं से पहुँचाओ सिस्टम से, क्योंकि सिस्टम लगाना उसमें। अच्छा दूध कितने रुपये लीटर आता है, 45-50 मान लो, घी कितने रुपये लीटर आता है, कहीं से निकला है दूध, घी कहीं से निकला है, कैसे निकला है, सिस्टम से निकला है ना, 50 रुपए में से 700 रुपए कैसे निकल गए, दूध में जमाऊंगा फिर बोलो सिस्टम में जाओ ना, आप सोच रहे हो 2,500 रुपए कैसे कमाएंगे, तो सिस्टम में डालना पड़ेगा आपको पैसा, क्या मैं आप बोल 2,500 इसलिए बोल रहे हैं कि 2,500 का आपका लेवल 10% हो जाएगा, 10 से 20 हो जाएगा, इस सिस्टम में पैसा लगाना है आपको, एक तो सिस्टम मिल रहा है और एक चीज मिल रही है आपको, आपका क्या ले रही है कंपनी, कुछ ले रही है आपसे, तो यहाँ आप उनको एक्टिव इनकम पे काम नहीं करना, आप उनको पैसिव इनकम पे काम करना है, यहाँ तो करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन इस सिस्टम में पैसिव इनकम में कितने साल काम करना पड़ेगा, कम से कम 5 साल, पहले साल आपको 90% मेहनत करनी पड़ेगी, कितने परसेंट, 90% और इनकम आएगी 10%, 10%। अब कई लोग बोलते हैं यार मैंने साल भर IMC कर छोड़ दी, मैंने साल भर मोदी के नाम में काम कर छोड़ दिया, मैंने बहुत सारी कंपनियां कर ली, अरे किया क्या है तूने साल भर ही तो काम किया है, अब साल भर के इसका नेटवर्क मार्केटिंग का फंडा यही है, इसका रूल यही है, आपको कम से कम 5 साल देना पड़ेगा, अब 5 साल में से 10% पहले साल है उसमें 90% मेहनत मांगती है कंपनी, ये जो भी इन्होंने होगी ना 2-2 साल 3-3 साल, ये इसी वजह से क्योंकि इन्होंने मेहनत करी है, टीम तैयार हो गई, लेकिन अब आने वाले टाइम में इनके पास पैसा कैसा होगा, अब आने वाले टाइम के ये राजा है इस कंपनी के, ठीक है। तो पहले साल आपको 90% मेहनत करनी पड़ेगी, 10% इनकम आएगी, दूसरे साल आपकी मेहनत 70% हो जाएगी, आपकी इनकम 30% हो जाएगी दूसरे साल में। अब कई लोग बोलते हैं यार मेरे को 2 साल हो गया IMC में काम करते, कैसे नहीं है, अरे यार सबर का फल मीठा होता है, जब तेरे को 10% आया तो 20 भी आया, 20 आएगा तो 50 भी आएगा, किसी दिन 90 भी आएगा, विश्वास टीका रहना। दूसरे तीसरे साल आपकी मेहनत 60%, इनकम 40%, चौथे साल आपकी मेहनत 40%, इनकम 60%, पांचवें साल आपकी मेहनत 10%, इनकम 90%, ये रेशियो चलता है नेटवर्क मार्केटिंग का, ये नेटवर्क मार्केटिंग का फंडा है, यहाँ पे सिर्फ 5 साल देना है, यहाँ पूरी जिंदगी देना है। पहले गवर्नमेंट में पेंशन भी मिलती 60 साल होने के बाद, अब वो 60 साल होने के बाद वो भी नहीं है, और यहाँ पे 60 साल में कंपनी कोई भी हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, खून चूस लेती है आदमी भी, कहीं का नहीं रहता नौकरी करके, नौकरी सब भी ऐसा लगा हुआ है कि नौकरी यानी नौ कर मेरे को मत कर, क्योंकि अपन को आशीर्वाद में नौकरी मिला है, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसको बच्चा तो आशीर्वाद ही मिलता है, बच्चा तू अच्छे से पढ़ तेरे को अच्छी नौकरी मिलेगी, कोई माँ बाप की आशीर्वाद नहीं देगा, तो बच्चा अच्छे से पढ़ अच्छे से एक मालिक बन और दूसरों को नौकरी दे, ये कभी नहीं कहा, लेकिन ये आशीर्वाद मिलता है कि बच्चा अच्छे से पढ़ अच्छे से नौकरी कर, नौकरी कर, यहाँ आपको नौकरी नहीं करना, यहाँ पे आपको मालिक बना थी कंपनी को 50% मार। आज मेरे पास 2,000 लोगों का लीडर हूँ मालिक, 2,000 लोगों को मैंने रोजगार दिया है, तो आप भी ऐसा बनो कि दूसरों को रोजगार दे सको, दूसरों को रोजगार दोगे तो भगवान आपको अपने आप आगे पूछेगा। यहाँ पे बीमारी और बेरोजगारी पे काम कर रहे हैं, अगर माता जी की आँख ठीक होती थी मेरे को दुआ देगी गाड़ियाँ होती थी,
दो आधे की कंपनी में रुपए सभी की क्या कमी है मेरे पास? दो उधर से मिल रही है, पैसा इधर से मिल रहा है, मेरे पास क्या कमी है? दो तो चीज साथ जाएगी और क्या जाएगी, तो दोनों सिस्टम जबरदस्त है। तो इस पर टिकना है, ये नहीं सोचना है कि मेरे को साल भर हो गया एमसी में काम करते हैं, मेरे पास पैसे कमा रहे हैं। सबर का मल मीठा होता है, दस जगह को एक देने से अच्छा है कि एक जगह टिक के पोत लो, उसी में पानी आ जाए। आज मोदी केयर में जा रहे हैं, कल आईएमसी में जा रहे हैं, परसों वेस्टीज में जा रहे हैं, फलाना टीम का, बहुत सारी कंपनियां, 400 कंपनियां हैं राजस्थान के अंदर अभी प्रेजेंट में 2020 के अंदर और 2021-22 में अंदर। आत्मनिर्भर भारत में मोदी जी ने खुद ही कह दिया कि 70 नई कंपनियां एमएलएम पर आने वाली है, 70 नई कंपनी वही टिकेगी जिसका खुद का प्रोडक्ट होगा, खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। मैं खुद चार बार हरिद्वार जाते हैं कंपनी के अंदर, हरिद्वार जहाँ माल बनता है, क्योंकि मैंने इसका सही सिलेक्शन किया है। देखो सही प्लेटफॉर्म पे सही कदम रखना ये आदमी की निशानी होती है। इसमें से समाप्त हो गया, टाइम क्या हो गया, चलो वही देंगे सही पुराने।